गाइस वी हैव फाइनली एंटर्ड ओमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर शेर आपके सामने। इट्स योर बॉय रोहन इस दिन वेलकम बैक टू द वीडियो। सो होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉयिंग इट एट होम। तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। हालांकि मेरे को 2-3 महीने हो चुके हैं मैंने व्लॉग पोस्ट नहीं किया, तो मुझे लगा कि भाई बहुत हो गया, अभी कुछ कंटेंट डालना चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे मतलब सब्सक्राइबर तो नहीं, मतलब फ्रेंड लोग ही सजेस्ट कर रहे थे कि कुछ डाल कुछ डाल कुछ डाल। तो हम लोगों ने 2 दिन पहले नक्की किया फ्रेंड्स लोग ने कि भाई चलते कहीं पर घूमने। परसों नक्की किया, कल पैकिंग की और आज निकल गए। तो छोटी सी ट्रिप पर हमारी अपना सोमनाथ जाएंगे, उसके बाद दीव जाएंगे और द्वारका का सीन बैठ रहा है। तो स्पेशली आए हैं कुछ मेहमान आए राज उधर से अपना अहमदाबाद से हमको ज्वाइन करने, मिस्टर मनीष कुमार और ट्रिप स्पॉन्सर है अपने प्रिंस यादव भाई। क्या बोलना चाहोगे? सोमनाथ दीव गिर सॉरी वेलकम मनीष भाई, कैसा लग रहा है आपको मोरबी से आके? बहुत मजा आ रहा है मेरे को इस ट्रिप में। हमारे साथ है मनीष भाई, अपने प्रिंस भाई और एक पाटिल भाई, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड पाटिल भाई और निशांत, हम लोग साथ में सब लोग साथ में जा रहे हैं। अभी तो हमने कुछ 260 किलोमीटर था, तो हमने 80 किलोमीटर तक तो कर लिया ट्रैवल। मैंने सोचा कि अभी बाद में व्लॉग बनाऊंगा, घर से चालू नहीं किया क्योंकि पैकिंग मैंने की नहीं थी। तो वो सब पैकिंग करने के बाद निकल गए, मेरे का चालू गाड़ी में या ऐसे कुछ स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फिर बारिश भी होने लगी, उसका भी मैंने शॉर्ट्स लिया, वो भी आपको डालूंगा। और अभी सिनेमैटिक भी एंजॉय करो, मज़ा आएगा, बने रहे हमारे साथ। हमने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, 4 बजे की आरती होती, लेकिन उतनी जल्दी तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हम धपधपाटी नहीं बुला रहे, आराम से ला रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 6 बजे भी एक आरती होती है, तो उधर उस टाइम पर पहुँचेंगे और आरती करेंगे। और मैंने पूछा कि फ़ोन और वो सब अलाउड नहीं है, तो दर्शन करके वो वाला एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं। तब तक के लिए आप एंजॉय करो। Moments later. गाइस सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर। गाड़ी इधर पीछे पार्क कर दी है, टाइम के पहले ही पहुंच गए, रात को शायद 1 बजे के आसपास निकले थे। अभी वो अपने दो भाई लोग जा रहे हैं पूछने क्या सिस्टम है अंदर। जाओ तुम्हें पूछता हो क्या? आओ बोलो। सही जा रहा है ट्रिप अभी फिलहाल, तो आगे देखते हैं। ये बोर्ड मार रहा है श्री सोमनाथ टेम्पल। प्रिंस भाई अपनी फोटोग्राफी स्किल्स चेक करते हुए अपनी बेबी डॉल के साथ हैरियर, और हमारे बीच 3 लाशें पड़ी हैं। अब पहले तो ये 2 थी, मनीष भाई और निशांत भाई, अभी अपने पाटिल भाई ऐड हो गए सोने में। अपना तो नहीं है भाई, बैठे हैं। एम आई कमिंग इन बिटवीन भाई? शाउट आउट टू प्रिंस यादव इंस्टाग्राम चैनल, जाके भाई फोटोज देख लेना हैरियर की, मस्त मस्त पाड़ी है भाई ने। दिखा तो भाई, एक आध दो दिखाना हैरियर की। आ लियो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, तो थोड़ी सी वो करने के बाद, क्या बोलते हैं वो, बातचीत करने के बाद हमको इधर अलाउ किया। बाकी तो इधर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, देखो ये पीछे बस देख रहे हो आप, ये मतलब बड़ी बड़ी जो बस है जो बाहर से आती है उनको अलाउ करते हैं लोग रुकने के लिए। बट मैंने गया था अभी बात करने, तो मैंने बोला कि हम आए हैं, थोड़ा पर्सनल प्राइवेट है हमारा, 5 जन है हम लोग, उन्होंने अलाउ कर दिया। अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखो इधर से ऐसा कुछ रुकने का है इधर शायद, गाइस तो ऐसा कुछ प्रोवाइड किया है हमको, मतलब ये ट्रस्ट है प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर ट्रस्ट जिसमें ये सब रूम्स होते हैं जो बाहर से आते हैं दर्शन करने के लिए उसके। तो हमने ये रूम लिया है, रूम नंबर 105। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 जनों का अरेंजमेंट हो सकता है। ये एक वॉशरूम है और ये एक पीछे से कॉमन गैलरी
कनेक्ट होती है, जिसमें अभी प्रिंस दरवाजा खोला और एक आंटी भटका गई डायरेक्ट ऐसे खोल के, इसको सरप्राइज मिल गया कि ये क्या हुआ। तो यही है, 7 बजे आरती होती है, अभी कितने बज रहे हैं, घड़ी भी स्विच ऑफ हो गई गाइस मेरी, अभी 6 अराउंड सम उस बज रहे, तो हमने सोचा कि फटाफट दो नीचे जाके नीचे वाले वॉशरूम में जाके दो इधर ऐसे करके फटाफट नहा ले, 7 बजे तक प्रेशर कर ले, उसके बाद देखते हैं इनका प्लान क्या है क्या नहीं। अपन तो इधर टाइम से पहुँच गए, एक आरती 4 बजे थी वो तो मिस हो गई, मतलब थी 4 बजे आप आरती होती है, 7 बजे आ गए तो हम 7 बजे अटेंड करेंगे और मस्त देखेंगे क्या होगा। कहना तो शायद अलाउड नहीं है, अलाउड होगा तो मैं कैप्चर करूँगा, बाकी तो देखते हैं। सवेरा हो गया है, फोटोशूट करेंगे, कैमरा लेके आया हूँ मैं, तो स्टेडियम पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। मनीष भाई भी लाइक मैं पानी पानी हो गई। ए, ए, ए भाई जा रहे नाने जा रहे, लेगा चोको बोको मत बोलो भाई, चोको बार चोको बार चोको नहीं चोकोस 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 वही तो मंदिर है तो भी गाली बोले क्या यार प्रिंस भाई, सभ्यता रखना होता है, सही बात है क्या यार प्रिंस यार भाई, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे को मत इन्वॉल्व करो। अरे ये तो ब्रश ब्रूस ले रहे हैं, अरे ब्रश आया तो मैं भूल गया। Wow, beautiful! सोमनाथ है। और सो इधर का नहीं सोमनाथ है। सोमनाथ आए। क्या हुआ लगता है? और हम इधर रुके हैं। हम तीन भाई, तीनों दवाई जीता ही के दे। बाजू में और 25 रूम है भाई, आराम से आराम से। ऐसा भी इनकी अभी वो भी वो बंगाल में आई। तू गिन क्या आ गया गरीब? दंड। The next day. Hello guys, welcome back. We are starting our vlog with the same intention and the same intensity. जैसे हमने रात हो गई थी, सुबह होने वाली थी, हमने वो ट्रस्ट में अपना रूम ले लिया था, तो अभी हम आए हैं इधर सोमनाथ के मंदिर में, जहाँ से 3 नदियाँ मिलती हैं आपस में, तो हम पानी अपने पे छाट लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, मतलब इधर इसका कहना है। ये देखो, ये रहा उधर सामने, वो देखो गाइज, और उधर लहरें बह रही हैं। इन लोगों ने तो छाट भी लिया, मैं वीडियो के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। ये रहा गाइस सोमनाथ का मंदिर, दर्शन कर लो आप। वही अलाउड से जवान तो जाई ना थी ना ब्रो, ये मार्सो दिखाई जो लिटिल 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 मार्सो S24 तो रूम था ना, फोटो पर मनीष भाई कैसा लग रहा है सोमनाथ आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। प्रिंस भाई रेगुलर हो, विकास भाई एकदम, निशांत भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो बाबा अपने पोशाक बदल रहे हैं, फोटो पड़वाते हैं, चलो फोटो खिंचवाते हैं। ज्यादा टाइम हो जाएगा भाई, मनीष भाई अपना व्लॉग चालू करते हुए। नहीं नहीं वाह क्या सीन है भाई, भाई मन है भाई बच्चे का, मतलब भाई का, चलते हैं उधर से, है ना शायद जाने का उधर से, वो लोग भी तो देखो छोटे छोटे दिख रहे उधर छोटे छोटे, पर इसलिए मना कर रहा हूँ पता है, व्यू पे जाएंगे ना तो डायरेक्ट नहा लेंगे बीच में, इधर नहाएंगे कितनी जगह नहाएंगे, नहीं इधर नहाना नहीं है, बस देख के आ जाएंगे आधे घंटे में, देखना क्या तेरे को, आ जाओ भाई लोग, चलो फोटो फाटो खींचते हैं भाई। गाइस वी हैव फाइनली एंटर्ड सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये रहा आपके सामने,
इधर तक ही शायद मेरे को फोन अलाउड होगा, आगे सबमिट करना पड़ेगा, तो हो सके तो इधर से दर्शन कर लेना। पॉजिटिव दिल्ली श्री सोमनाथ महादेव एंट्री गेट, ये देखो गाइस। ये बाग मार्केट लगा है, इधर भी ट्रैफिक तो है बहुत। आ गए गाइस एंट्री गेट पे। अरे सोमनाथ, सोमनाथ आपका स्वागत है, लाइव दर्शन कर लो गाइस। Five hours later. गाइस हमने दर्शन कर लिया सोमनाथ के बाद, और थोड़ा आगे व्यू की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो भूख लगी थी, हमें सुबह से कुछ खाया नहीं है। उधर भी सिर्फ चेंज करके नाश्ता वास्ता करके निकल गए थे, तो अभी एक होटल पे रुके, होटल मातोश्री इधर है, ये रही होटल, उसमें कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। गाड़ी में आया हूँ ट्राईपॉड निकाल ले कुछ शॉट्स लेने के लिए, इसीलिए। नाइस आर्किटेक्ट। अभी हम रुके हैं कहाँ पर, क्या नाम लिखा है होटल, होटल शिव, होटल शिव रुके गाइस हम। होटल के नीचे प्रभात सिराजपुर, प्रभात सिराजपुर एक्टर नी होटल छे, यहाँ आपणे स्टे करी छी ने खाई छी, डे आपणे ब्रेकफास्ट करी छी त्यारे। आ शू करो छो भाई तमे, सिंग सोडा, सस्ता सिंग सोडा होममेड, हा तो एम ज थाय ने, तू ए नो बोल। हेलो बडी, हम पेट्रोल पंप पे रुके थे तो भी हमको एक जर्मन शेफर्ड मिला था दोस्त, घर खाने रुके तो भी मिला है।